हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है जड़ से रिलेटेड, जो कि है मूसला जड़ और अपस्थानिक या ये भी कह सकते हैं रेशेदार जड़। मूसला जड़ हम ये कह सकते हैं, आपने देखा होगा जितने भी दाल वाले पौधे होते हैं उसमें आप देखें एकदम छोटा छोटा रेशा पाया जाता है। लेकिन अपस्थानिक जो रेशेदार पौधे जो बोल रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर रेशे पाया जाता है, जैसे कि आपने धान देखा होगा, घास देखा ही होगा, उसमें जो रेशे के टाइप मतलब पतली पतली लरियों की तरह जो पाई जाती है रेशे के समान, उसको बोलते हैं रेशेदार। और जिसमें एक मोटा जड़ निकला हुआ होता है जो कि अंदर तक जाता है ज़मीन के, उसको बोलते हैं मूसला जड़। अब इसको हम एक एक करके लिखते जाएंगे। पहला लिखेंगे मूसला जड़ का विकास मूलांकुर से होता है, ठीक है। जो मूसला जड़ का विकास होगा वो कैसा होगा, मूलांकुर से होगा। अपस स्थानिक जड़ का विकास प्राकुर के आधारी या भाग से होगा। अपस्थानिक जड़ का जो विकास होगा वो कैसे होगा, आधारी या भाग से होगा। दूसरा, इसमें एक मुख्य जड़ पाई जाती है। मूसला जड़ में जो होती है, मैंने बताया एक जड़ होती है जो कि बहुत गहराई तक जाती है, तो वो कहलाएगी एक मुख्य जड़। जो कि अधिक गहराई तक जाती है और वहाँ जाके वृद्धि करके, जिसे हम प्राथमिक जड़ कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं पाया जाता, क्योंकि इसमें रेशे के समान पाए जाते हैं ना, इसलिए इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं पाया जाएगा। तीसरा देखेंगे, ये अधिक गहराई तक वृद्धि करती है। ये क्या होगा, अधिक गहराई तक वृद्धि करेगा और ये भूमि के ऊपरी हिस्से तक ही फैला रहेगा, इसलिए ये आसानी से उखड़ जाता है, देखे होंगे आप घास को। चौथा, ये द्विबीजी पत्री वाले पौधों में पाई जाती है। जितने भी द्विबीज वाले जो दो टुकड़ों में बट जाती है, ऐसे पौधों में ये पाई जाती है मूसला जड़, और ये एक बीज पत्री वाले पौधों में पाई जाएगी। जितने में भी पौधों में जिसमें एक बीज पाया जाएगा उसमें रेशेदार या अपस्थानिक जड़ पाया जाएगा। जैसे इसमें पांचवा हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, जितने भी चने वाले पौधे हैं, चना, दाल, अरहर इत्यादि को ले सकते हैं। और इसमें मैंने बताया था घास को भी ले सकते हैं, चावल को भी ले सकते हैं, गेहूं को भी ले सकते हैं। थैंक यू।